नाउ द मिनिस्टर अध्यक्ष जी दिल्ली में रहते हुए पिछले सालों में भी कई बार इस प्रकार के अग्निकांड देखने का अवसर मिला, लेकिन इतना भयंकर, इतना भयानक और इतना दर्दनाक अग्निकांड जैसा कल सायंकाल देखा पहले कभी शायद राजधानी में नहीं हुआ। और इस कारण सदन के सभी सदस्यों ने जो व्यथा प्रकट की है, वेदना प्रकट की है, मैं अपने को उसके साथ संबद्ध करता हूं और मैं मानता हूं कि यह घटना वह हमको झकझोर करके कई बातों के बारे में सोचने को प्रवृत्त करे, यह अच्छा होगा। खुराना जी ने कुछ बातें कहीं जिनका संबंध दिल्ली के विकास के साथ है, लेकिन कल की घटना जो है उस घटना के बारे में कुछ लोगों ने कुछ आशंकाएं भी प्रकट की। जो कल मैंने देखा उसके आधार पर कोई मुझे आशंका नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी उसकी जांच होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से मैंने सलाह की है और मैं समझता हूं कि इस कल के भीषण अग्निकांड की तह में जाने के लिए, उसकी कारण मीमांसा करने के लिए अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अधीन एक कमीशन बिठाया जाए तो उपयुक्त होगा। और इसीलिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, उसके लिए उपयुक्त टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएगी और हम चाहेंगे कि उच्च न्यायालय का कोई जज वह इस बात की जांच करे। हो गया ना? अभी कल शाम को जब मैं वहां पहुंचा था तब जो अधिकारी वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने अभी तक 26 लाशें गिनी हैं, लेकिन वो कहते थे कि और लाशें होंगी। कुछ लोग कहते थे कि अभी भी सीधी कुछ लाशें पहुंच गई अस्पताल में और वो कह रहे थे कि 40 तो मर चुके, आज पत्र पत्रिकाओं में 50 से अधिक की संख्या है। इन सब बातों की जांच हो रही है और दिल्ली सरकार, नगर निगम, पुलिस, केंद्रीय सरकार का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सब के सब सामूहिक रूप से इस समय राहत कार्य में लगे हुए हैं और उनको जितनी राहत हम दे सके वो दें और उनकी जो व्यवस्था कर सके करें, क्योंकि यह भी जानकारी हमको होनी चाहिए कि उसमें से बहुत सारा हिस्सा झुग्गियों का ऐसा है कि जो नदी में है, जो नदी का हिस्सा है, वो कोई ऐसी नहीं है कि आप वहाँ जो झुग्गी बनी हुई है वो लैंड आप दे दीजिए, ये जो बात कही जा रही थी वह उपयुक्त नहीं है। उसमें से अधिकांश वह है, कुछ हिस्सा नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, कुछ हिस्सा जो है वो हमारे तिवाड़ी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। कुल मिलाकर के ये फैला हुआ एक क्षेत्र है कि जिसमें बसने वाले लोग बहुत कमज़ोर वर्ग के गरीब लोग हैं और इस प्रकार की घटना पहले भी हुई है, इतनी भयानक नहीं लेकिन आग लगती रही है। और इसीलिए उपयुक्त होगा कि जिस समय हम स्लम डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो ऐसी योजना बनाएं कि जिस योजना के आधार पर ये आगे के लिए भी मुक्त हो जाए संकट से, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि इस दुर्घटना को हम परिवर्तित करेंगे इन कमज़ोर वर्गों के राहत के दिशा में, और जो हम कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाएंगे उसके भी टर्म्स ऐसे होंगे कि हमारा मार्ग इस मामले में भी मार्गदर्शन करें कि हम स्लम्स के बारे में क्या इलाज करें। इतना ही, इस समय मुझे इतना ही कहना है। और नो प्लीज इसमें कोई संदेह नहीं, तुरंत राहत होगी और आगे रिहैबिलिटेशन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सारे कदम उठाए जाएंगे। नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम